सवाल है कि क्या बालों को रंग सकते हैं? अगर रंग सकते हैं तो कौन सा कलर कर सकते हैं? जी हाँ, बालों को कलर कर सकते हैं। ये है कि आपको जो पसंद था वो ब्राउन कलर का रंग, डार्क ब्राउन आपको पसंद था। स्याह रंग से आपको नफरत थी, स्याह रंग लगाना ये मना है, बाकी रंग लगाए जा सकते हैं, लेकिन ऐसा कलर जो एक शोखापन हो वो नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि हदीस में है, जो ऐसा लिबास पहनता है, जो शोख लिबास है, अल्लाह उसको रोज़े क़यामत ज़िल्लत का लिबास पहनाए। तो ऐसे कलर जो शोख कलर हों और अजीबोगरीब और अल्लाह की खिलकत को बदल देने वाले हों, तो ऐसे कलर से बचना चाहिए। हाँ, आप मेहंदी कलर जो है वो लगा सकते हैं, ब्राउन कलर लगा सकते हैं, डार्क ब्राउन कलर लगा सकते हैं। और वैसे आजकल जो डिब्बी के ऊपर, लीविया के ऊपर डार्क ब्राउन लिखा होता है ना, वो अंदर से ब्लैक निकलता है, तो आप उसका ब्राउन लेंगे तो वो खुद ब खुद डार्क ब्राउन हो जाएगा। अगर किसी की छोटी उम्र में ही सफ़ेद बाल आ जाएं तो क्या वो कलर लगा सकता है? जी हाँ, कलर लगा सकता है, लेकिन स्याह नहीं। स्याह कलर के बारे में बड़ी सख्त ममानत है। अबू दाऊद के अंदर हदीस मौजूद है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इज्तनिबुस सवात, स्याह से बचो। और दूसरी में है, सिनफानी मिन उम्मती लम अरहुमा, मेरी उम्मत के दो ग्रोह ऐसे हैं जिनको मैंने देखा नहीं लेकिन वो जहन्नम में जाएंगे। लम यरीहूना राइहतल जन्ना, वो जन्नत की खुशबू तक नहीं पाएंगे। वइन्ना रीहहा लतूजदु मिन मसीरति कदा वकदा, उसकी खुशबू बहुत दूर से 500 साल की मुसाफत से आ रही होगी। उनमें से एक वो हैं जो अपने बालों को कबूतर के सीने के स्याह बालों की तरह, अपने बालों को जो रंगते हैं, उनको अल्लाह ताला जन्नत की खुशबू भी नहीं देने। तो स्याह कलर हराम है, मना है, गुनाह है, और सख्त तरीन गुनाह है, कबीरा गुनाह है। स्याह कलर से बचा जाए।